प्रेगनेंसी के दौरान हर प्रेग्नेंट औरत डिलीवरी के करीब आने का इंतजार करती है, क्योंकि वो पेट में पल रहे बच्चे को अपने हाथ में लेना चाहती है। लेकिन प्रेगनेंसी के 9वें महीने में डिलीवरी होने से पहले बच्चे का हेड डाउन पोजीशन में आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है तो ये आपके होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको यही बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में हेड डाउन पोजीशन क्या होती है, हेड डाउन पोजीशन में बच्चा कब आता है, हेड डाउन पोजीशन जरूरी क्यों होती है और हेड डाउन पोजीशन में लाने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार हेड डाउन पोजीशन क्या होती है। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में ये पोजीशन तब होती है जब होने वाले बच्चे का सर प्रेगनेंट औरत के प्राइवेट पार्ट की तरफ होता है और उसका चेहरा और उसकी बॉडी प्रेग्नेंट औरत के पीठ की तरफ होती है। ऐसे में जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी माँ के पेट की तरफ होती है। इस तरह से बच्चे के जन्म के दौरान नॉर्मल डिलीवरी की मदद से सबसे पहले डॉक्टर उसका सर बाहर निकालते हैं। आइए अब हम इसके बाद ये जानते हैं कि आखिर बच्चा हेड डाउन पोजीशन में कब आता है। कई बच्चों का सर बर्थ कैनाल की ओर या फिर हेड डाउन पोजीशन में प्रेगनेंसी के 32वें या 36वें सप्ताह में ही आ जाता है, जबकि कुछ बच्चों का सर नीचे की ओर 37वें सप्ताह में आता है और बाकी बच्चे लेबर की शुरुआत में ही हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं। इसलिए 8वें महीने के बाद धीरे धीरे बच्चा हेड डाउन पोजीशन में जाने लग जाता है। आइए अब जानते हैं कि डिलीवरी के दौरान गर्भ में पल रहा बच्चा हेड डाउन पोजीशन में होना क्यों जरूरी होता है। जन्म के दौरान जब एक बच्चा प्रेग्नेंट औरत के पेल्विक वाले एरिया में ही आगे बढ़ता है तो इससे प्रेग्नेंट औरत को बच्चा बाहर निकालने में हेल्प मिलती है। इसलिए अगर डिलीवरी से पहले बच्चा हेड डाउन पोजीशन में है तो जन्म के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा कम हो जाता है और बच्चे की इस पोजीशन में होने से डिलीवरी में कम समय लगता है और प्रेग्नेंट औरत को दर्द भी कम होता है। इसलिए बच्चे की इस पोजीशन को लेबर के लिए सबसे सही और सेफ पोजीशन मानी जाती है। और अगर बच्चा हेड डाउन पोजीशन में होता है तो उसका सिर प्रेग्नेंट औरत के सर्विक्स पर प्रेशर डालता है, इससे सर्विक्स को फैलने में मदद मिलती है और साथ ही ऐसे में कुछ हार्मोन्स भी पैदा होते हैं जो प्रेग्नेंट औरत की सर्विक्स के लिए जरूरी होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान हेड डाउन पोजीशन होने से बच्चा माँ के पेल्विक के निचले हिस्से में पहुंचने तक अपना सर नेचुरली घुमा लेता है। इससे होने वाले बच्चे का सिर प्रेग्नेंट औरत के पेल्विक एरिया में चौड़ी जगह पर होता है, जिसके कारण जन्म के दौरान बच्चे का सर प्यूबिक बोन में आसानी से चला जाता है और इसकी वजह से आपको आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अब हम ये जानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा हेड डाउन पोजीशन में ना हो तो क्या करें। तो दोस्तों इसके लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को जमीन में टिकाकर क्रॉलिंग की पोजीशन में थोड़ी देर के लिए चले जाएं और ये आप रोजाना कुछ समय के लिए जरूर करें। इससे पेट में पल रहे बच्चे को आसानी से हेड डाउन पोजीशन में जाने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप रोजाना लगभग 20 मिनट के लिए टहलें। प्रेगनेंसी में कोई भी एक्टिविटी करने से आपके पेल्विक में मूवमेंट आती है, इससे बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में जाने में हेल्प मिल सकती है। और इस बात का ध्यान रखें कि बैठने की पोजीशन में घुटने आपके हिप से ऊंचे ना हो। इस दौरान आप हमेशा अपने पेल्विक को आगे की तरफ थोड़ा सा टेढ़ा करके बैठें। इससे भी बच्चा आसानी से हेड डाउन पोजीशन में जा सकता है। इसके लिए आप चाहें तो एक्सरसाइज बॉल पर बैठकर या एक्सरसाइज बॉल के सहारे आधा लेट भी सकती हैं। इससे भी बच्चा हेड डाउन पोजीशन में जा सकता है। या फिर प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में लाने के लिए आप घुटनों को जमीन में टिकाकर सोफे के सहारे भी खड़ी हो सकती है। इस पोजीशन के लिए आप जमीन पर घुटनों के बल खड़ी हो जाएं और सोफे पर अपना सर झुकाते हुए दोनों हाथों को सीधे जमीन की ओर रखें। फिर आप अपने शरीर के पिछले हिस्से को हल्का सा फैलाएं और हिप्स को थोड़ा ऊंचा रखें। इस पोजीशन को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बनाए रखें और फिर उठ जाएं। साथ ही आप अपने पैरों को ऊपर करके पीठ के बल लेटने से बचें। इससे बच्चा पोस्टीरियर पोजीशन में चला जाता है, जिससे कि लेबर का टाइम बढ़ सकता है। और जन्म के दौरान प्रेग्नेंट औरत को बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, इसलिए रात में पीठ के बल लेटने के बजाय हमेशा बाएं तरफ करवट करके लेटें। ये पोजीशन बच्चे के लिए अच्छी होती है और इससे बच्चा आसानी से हेड डाउन पोजीशन में चला जाता है। इसके बाद भी हर एक कोशिश करने के बाद भी अगर आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ रहा है और वो ब्रीज पोजीशन में ही रहता है तो इसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको प्रोफेशनल कायरोप्रैक्टिशनर से मिलने की सलाह दे सकते हैं, जो इसमें आपकी हेल्प कर सकता है।
ऐसे में डॉक्टर आपको कई एक्सरसाइज करने की भी सलाह दे सकते हैं, जिससे आपके बच्चे का सर नीचे की तरफ आ सकता है। इसके अलावा डॉक्टर आपके पेट पर बाहर से दबाव देकर बच्चे का सर नीचे बर्थ कैनाल की तरफ करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि हर प्रेगनेंसी अलग होती है, इसलिए अगर पेट में पल रहे बच्चे की हेड डाउन पोजीशन नहीं होती है तो ऐसे में डॉक्टर आपको सी सेक्शन सर्जरी करवाने के लिए बोलेंगे। ये ब्रीच पोजीशन के कारण बच्चे को होने वाले खतरे से बचाने के लिए किया जाता है, इसलिए आप डरे नहीं और अपने डॉक्टर पर भरोसा रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि प्रेगनेंसी में वाइड डिस्चार्ज क्यों होता है, तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकती हैं, जिसमें हमने आपको इस बारे में अच्छे से बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।